गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आलोकन अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले एक क्लास में 200-point रोस्टर के बारे में चर्चा की थी और 200-point रोस्टर क्यों प्रभाव में आया, कब आया और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, और उससे पहले के जो रोस्टर के जो सिस्टम्स हैं वो क्या थे, उनके क्या नुकसान थे रिजर्व कैटेगरीज को, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्हीं को क्वेरीज के आधार पर इसका सेकंड पार्ट जो है आज आपके सामने फिर से हम लेकर के आए हैं, और इसमें हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि रोस्टर रजिस्टर बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उन चीज़ों को किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किस तरह से और किस उस लेवल पे लिया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे, सबसे बड़ी जो बात है उसमें आप देखेंगे तो 200-point जो रोस्टर है उसको जिस मंशा से लाया गया है वो पूरी की पूरी जो उसका जो आधार है, पूरी की पूरी उसकी जो पृष्ठभूमि है वो संवैधानिक राइट्स का से जुड़ी हुई है। संवैधानिक राइट्स का मतलब संवैधानिक आपके जो अधिकार है जो संविधान आपको देता है, और जो इस देश की 85% जनता के लिए, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए ज़रूरी है, वो 200-point रोस्टर जो है उसको पूरी करता है। आप जानते हैं कि 200-point जो रोस्टर है उसमें सबसे बड़ी जो बात है उसमें एक रजिस्टर होता है, और उस रजिस्टर को जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है। इस रजिस्टर को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है उस इंस्टीट्यूशन के विभागाध्यक्ष की है, अगर कॉलेज है तो प्रिंसिपल्स की है, अगर सरकार है तो उस कंसर्न मिनिस्ट्री और सचिवालय की है, और अगर विश्वविद्यालय है तो वाइस चांसलर की और रजिस्ट्रार की है। इसके लिए जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्हीं स्तरों पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सरकार के लेवल पर हासिल किए जा सकते हैं, और आरक्षित वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई सारे दूसरे पैरामीटर्स भी लागू किए हैं। ये बात दूसरी है कि आरक्षित वर्ग जो है वो सोया हुआ है और उसको शायद अपने हितों की उतनी परवाह नहीं है, उनको सिर्फ जो आसानी से मिल जाता है उसको वो लेकर के वो उसके मठाधीश बन जाते हैं। उसके पीछे जो पे बैक टू सोसाइटी का जो एक कंसेप्ट है, एक मंत्र है, उसको वो भूल जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें तो फ़ायदा मिल गया, अब हमें आगे के लिए क्या करना है। ऐसी स्थितियों से हमें बचना होगा, और इन स्थितियों से बचने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस रिजर्वेशन के बेसिस पे सर्विसेज में आए हैं उन्हीं रिजर्वेशन के जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करें, उनको प्रोटेक्शन दें, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक रास्ता साफ सुथरा रखें। आप जानते हैं कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेन जो फोकस है वो 200-point रोस्टर के ऊपर है, और इस व्याख्यान को आरंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आलोकन अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है या मेरा जो पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर रामलखन मीणा के नाम से, या मूक नायक मीडिया का जो यूट्यूब चैनल है, आपको जो आपकी सहूलियत हो, जो आपको सुविधा हो, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसमें हम जो है अब एक लाइव क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम ऑनलाइन सॉल्यूशंस उसके देंगे, 200-point रोस्टर से जुड़े हुए सॉल्यूशंस देंगे कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, आपको कहाँ कठिनाई आ रही है, आपकी परेशानी कहाँ है, आपकी समस्या का निदान क्या हो सकता है, उस पर हम एक और क्लास ऑनलाइन करेंगे। तो उससे जुड़ने के लिए आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आप उचित समझे आलोकन अकेडमी के चैनल को कर लीजिए, मेरे चैनल को कर लीजिए, मूक नायक मीडिया के चैनल को कर लीजिए, जहाँ पे भी आप चाहें वो सब पे हम लाइव करेंगे, तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं
इससे रिलेटेड या जो जो दूसरे जो हम इश्यूज पर जो वीडियो जाएंगे वो आपको सीधे मिल जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, इसलिए आप सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर हम बात करेंगे 200 पॉइंट रोस्टर के बारे में, जो रजिस्टर का संधारण होता है। संधारण का सिंपल सा मीनिंग है कि जो रजिस्टर को हम बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस उसका जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और उस कंसर्न उस बॉडी की जो लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती है पद होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। पर आज आप देखेंगे तो ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर की जो स्थिति अगर आप देखेंगे, मैं अगर राजस्थान के बारे में बात करूं तो राजस्थान में 27 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी 200 पॉइंट रोस्टर के अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्टर आज की तारीख तक प्रभाव में नहीं है, ना बनाया गया है ना उसके लिए किसी ने पहल की है। हमने पहल की थी और पहल करने के बाद उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स में 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर रजिस्टर बनाने के लिए आदेश जारी किए थे और उसके बाद हमने हायर एजुकेशन में उसको लागू करवाने के लिए राजभवन में भी एक एप्लीकेशन दी थी, तो उसके आधार पर भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में रोस्टर बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पर वहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के जो नुमाइंदे हैं वो या तो सोए हुए हैं या वो डरते हैं किसी से, वजह जो भी हो, पर वो वहाँ पर ना तो रजिस्टर बनने की शुरुआत हुई है और ना रजिस्टर अभी तक बने हैं और ना कोई उसके लिए पैरवी कर रहा है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए पैरवी करें और उन रजिस्टर को जल्दी से जल्दी बनवाएं ताकि आने वाली जो खाली जो पोस्ट पड़ी हुई है उनके विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी हो और हमारा जो युवा है, यूथ को जो जॉब के लिए वेट कर रहा है उसको एक आधार मिले, एक शुरुआत मिले और उसमें वो अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी हासिल कर सके। इस पर जब हम बात करेंगे तो इसके समाधान भी आपको बताएंगे कि अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो आपको डेटा कहाँ से मिल सकता है, आप डेटा कहाँ से ले सकते हैं और डेटा अगर आपको कोई नहीं देता है तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। पर देखिए, बिना पेन बिना रोए दूध नहीं मिलता, बिना पेन के कोई गेन नहीं होता, तो आपको उसके लिए पेन तो लेना पड़ेगा। पेन आप लीजिए और उसमें अगर कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, आकर के मिलिए। मेरे जो सोशल मीडिया के जो माध्यम से हैं, चाहे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहाँ पे भी आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ। अब हम बात करेंगे 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसके रजिस्टर के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं। आप सब जानते हैं कि जो 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसके लिए जो सरकार ने जो है कई सारे नियम बनाए हुए हैं और उन नियमों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी तक वो रोस्टर रजिस्टर नहीं बनने में ज़्यादातर जो है वो आरक्षित वर्गों की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि दूसरे लोग तो आपको हक देना नहीं चाहते तो हक तो आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पोस्ट में, पोस्ट आधारित रोस्टर बनाने और संचालन करने के क्या क्या नियम हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द मेकिंग एंड ऑपरेटिंग द पोस्ट बेस्ड रोस्टर रजिस्टर। संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना में सरकार SC/ST को आबादी के अनुपात में और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देती है। इसका मकसद विश्वविद्यालयों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो रिजर्वेशन का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उसमें किसी को आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को ऐसा ना समझें। आप अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ें और आवाज़ उठाएं। आप अगर हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। जब हम बात करते हैं रोस्टर रजिस्टर के प्रिंसिपल्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोस्टर रजिस्टर बेसिकली रोस्टर है क्या। तो अगर सच पूछा जाए तो ये प्रोफेसर काले ने जो जिस एक मेहनत और समर्पण के साथ ये सारा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो नियम बनाए और उस नियमों का जो है अनुपालना अगर होती है तो मैं कहता हूँ कि आपके साथ कहीं पे भी किसी भी लेवल पे कोई अनजस्ट नहीं होगा। और उस अनजस्ट को रोकने के लिए रोस्टर जो है सिद्धांत रूप में एक सुस्पष्ट
वैज्ञानिक विधि है जो पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरतों का संधारण करता है। मतलब जो पहले से जो आपके जो पोस्ट हैं, आपके जो पद हैं, आपकी जो पोजीशंस हैं, उस पर जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, जब वो पोस्ट खाली हो रही है तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए एक रजिस्टर बनना है और उस रजिस्टर में आपके पदवार, श्रेणीवार, कैडर वाइज सारे जो है वो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से साइंटिफिक तरीके से सेट किए गए हैं कि आपको कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस बात यही है कि आपको उस रजिस्टर को बनाने के लिए थोड़ा सा पेन लेना होगा। तो ये जो पूरी जो पूर्व निर्धारित जो व्यवस्था है उसको बदलने की ज़रूरतों का संधारण करने के लिए एक रजिस्टर है, उसको हम रोस्टर रजिस्टर कहते हैं। ये केवल विभिन्न श्रेणियों के हकूक आरक्षित कोटा निर्धारित करने में सहायक होता है और जिसका वरिष्ठता के निर्धारण से कोई भी संबंध नहीं है। कई लोग ये समझ लेते हैं, मुझे कई लोगों ने क्वेरीज की कि क्या इसमें जो सीनियरिटी का भी कोई वो होता है, तो सीनियरिटी से रोस्टर रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पोस्ट बेस्ड जो है रोस्टर रजिस्टर है, जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है और आपका जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उन दोनों को सेपरेट रजिस्टरों के माध्यम से मेंटेन किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, उसको संधारित किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है रोस्टर रजिस्टर आपके खोए हुए अधिकार हैं या किसी के दबाए हुए जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो इसमें आगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये रजिस्टर आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि रिजर्वेशन का मकसद जो है वो कोई भीख नहीं है। जैसे मैं पहले भी कई बार आपसे कहता आया हूँ कि रिजर्वेशन जो है वो गरीबी उन्मूलन का कोई जरिया नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आरक्षण का जो मकसद है वो इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। कानून का पालन ऐसे होना चाहिए ताकि उनका मकसद पूरा हो। ऐसे नियम का कोई मतलब नहीं जिसका मकसद पूरा नहीं हो। अदालत को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी जब 2018 में जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। उसे सरकार को कम से कम इस तरह नियम तैयार करने की सलाह देनी चाहिए थी ताकि आरक्षण का मकसद पूरा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन जो है वो पूरी हो। लेकिन अदालत ने नियम की वैधानिकता की व्याख्या की और इस बात को नज़रअंदाज किया कि उससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा होगा, बल्कि कानून के लिए समक्ष सबकी समानता की भावना के ये खिलाफ है। अदालत के इस फैसले में एससी एसटी ओबीसी को नुकसान होगा और वह अपने फैसले के इस नतीजे से आंखें कैसे बंद कर सकती है। विश्वविद्यालय में विभिन्न रूपों में भेदभाव होता है, इसको लेकर कुछ अध्ययन हुए हैं। रोहित बेमुला की आत्महत्या ने भी लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा है। यूजीसी ने भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ नियम बनाए हैं और दुखद बात यह है कि अधिकतर संस्थान उसको लेकर जागरूक नहीं है। बेमुला मामले ने इस मसले को दोबारा जिंदा कर दिया है। अगर मुझे लगता है ये जो रोहित वेमुला की शहादत नहीं होती, रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तो ये जो सोया हुआ समाज है वो शायद अभी तक नहीं जगता। तो उस शहीद को इस रूप में आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उस शहीद को रोहित वेमुला जैसे युवा को आप इस रूप में याद कर सकते हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस में, आप अपने कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम रोस्टर रजिस्टर बनवाइए, एडमिशन्स में रोस्टर को लागू करवाइए। एडमिशन में भी आपके रोस्टर की प्रक्रिया है, एडमिशन भी उसी बेसिस पे आपका होना चाहिए जिस बेसिस पे रोस्टर रजिस्टर मेंटेन होता है। तो ये जो सारी की सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो चाहे पीएचडी के एडमिशन्स हो, पीएचडी के एडमिशन्स में आप सब जानते हैं कि जो भी रिसर्च के जो एडमिशन्स होते हैं उसमें जो रिजर्वेशन के जो नियम हैं उनकी खुल्लम खुल्ला जो है उल्लंघन किया जाता है और वो उसके लिए शायद कोई भी नहीं बोलता है। तो ये सारी की सारी जो पृष्ठभूमि है उसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये सारी की सारी जो स्थिति है वो जो बनी है उस स्थिति में आपको उसके साथ चलना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। जब हम बात करते हैं जब रोस्टर रजिस्टर की, जैसे मैंने पिछली वाली व्याख्यान में आपसे कहा था, तो आप इसको देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये सबसे पहले जो इस रिजर्वेशन को लागू करने की जो बात हुई तो वो हमारे सामने एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था आई जिसको हम 13 पॉइंट रोस्टर कहते हैं।
13 पॉइंट रोस्टर का जो है उसको कई लोग जो है वो एल शेप भी बोलते हैं, और उस रोस्टर की जो खामियां, जो तकनीकी जो खामियां थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया तो वैसे वैसे उजागर होती गई, और उसके बाद में जैसे ही 13 पॉइंट रोस्टर को पूरा होने की स्थिति आई तो फिर इसके बाद एक 13 के बाद एक रोस्टर आया 40 का, 40 के बाद फिर एक लाने की कोशिश 100 की, और 100 को जो है प्रोफेसर काले कमेटी ने 200 पॉइंट में बदल दिया। तो ये जो रोस्टर के जो विभिन्न जो पड़ाव है, विभिन्न जो स्थितियां हैं उसको आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे सबसे पहली जो स्थिति है वो 13 पॉइंट रोस्टर की स्थिति है। 13 पॉइंट में देखिए आप ऐसे ऐसे आपको 13 पॉइंट वर्टिकली मिलेंगे और हॉरिजॉन्टली आपको 13 पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंट्स में आपकी स्थिति है उसको रिप्लेसमेंट के नाम से जो है वो दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं आप रिप्लेसमेंट कैसे होगा। तो जो पुरानी जो स्थितियां हैं, जो पुरानी जो पोस्ट है उस पर लोग जो कब्जा करके बैठे थे उसको इसके माध्यम से निकालने की कोशिश की गई। पर ये जो जैसे ही इसमें लोगों का ध्यान गया तो आप इसमें आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे आप कि जैसे एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 7.5 है, 7.5 में आपका जो है वो 14वां पॉइंट बनता है। जब 14वां पॉइंट बनता है तो ये जो पॉइंट 13 पॉइंट का रोस्टर है तो आपका 14वीं पोजीशन बनती कहाँ है। तो ऐसी स्थितियाँ और भी हैं जो कि इसकी जो है वो तकनीकी खामियाँ थी, इन खामियों को दूर करने के लिए बार बार आवाज़ें उठाते रहे लोग, हम जैसे लोगों ने दिल्ली में यूजीसी में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया सरकार के ऊपर, उस समय जो यूपीए की सरकार थी उसमें अपने जो संबंध थे उनको भुनाते हुए हमने इस व्यवस्था को बदलने में कोशिश की और ये व्यवस्था आखिरकार बदली। अब तो ये देखेंगे 13 पॉइंट जो रोस्टर का जो रजिस्टर है या 13 पॉइंट रोस्टर से रिजर्वेशन लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको आप नीचे वाली टेबल में देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये कितनी त्रुटिपूर्ण है, कितनी इसमें जो है कमियां हैं। 95% जो रिजर्व सीट्स हैं, वैकेंसी कन्वर्टेड इंटू अनरिजर्व सीट्स बाय 13 पॉइंट रोस्टर। 13 पॉइंट जो रोस्टर में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए प्रोफेसर की 15 वैकेंसी है तो वो सारी की सारी जो है वो 15 प्रोफेसर यूआर को चले जाती है, जबकि इसको अगर आप 200 पॉइंट रोस्टर में देखेंगे तो इसमें 9 यूआर होंगी, ये जो है मैं इसको ओपन बोलता हूँ, फिर ये 2 एससी होगी, 1 एसटी होगी, 3 ओबीसी होगी, 3 और 1 4 और 2 6 और 9 15। तो इस तरह से उनका जो है बाइफ्रिकेशन होगा। ऐसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर है जो 26 है तो यहाँ 26 के 26 वो जो है विभिन्न जो टैक्टिक्स थी जो मैंने पिछली व्याख्यान में आपको बताई कि वो 5 वैकेंसी है तो 2 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 1 निकालेंगे, ऐसे करके वो सारी की सारी उसको कब्जा कर लेंगे। ऐसी स्थितियाँ जो थी उससे बचने के लिए आप अगर देखेंगे तो जो 13 पॉइंट जो रोस्टर है उनमें अगर आप सारी इन पोस्टों को अगर काउंट करके देखेंगे तो आपके जो तीनों जो कैटेगरीज हैं इनमें आकर के जो पहली एक पोस्ट जो है वो जैसे तैसे करके ओबीसी हो जाएगी। पर अगर 200 पॉइंट रोस्टर रजिस्टर की जब बात करेंगे तो आप पाएंगे ये सारी जो वैकेंसीज है इसमें से जो इन सारी कैटेगरीज को जो है 20 वैकेंसीज कम से कम जाएगी। तो ये जो है इन दोनों में टेक्निकली फ़र्क था जिसकी वजह से 13 पॉइंट का विरोध किया, और विरोध हुआ उसके लिए हम सरकारों पर प्रेशर बनाने में कामयाब हुए और उसके लिए के बाद आपको एक अपना हक मिला। पर उस हक को जो है बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय ने छीन लिया, और आप देखेंगे जो 13 पॉइंट रोस्टर और जो 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसकी स्थिति के बाद क्या हुआ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 13 पॉइंट जो रोस्टर था उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर 200 पॉइंट रोस्टर सॉरी 200 पॉइंट जो रोस्टर 2012-13 में लागू हुआ था उसके बाद 16 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जैसे ही जो निर्णय आया, निर्णय के बाद मैंने जैसे पिछली वाली आपको उसमें व्याख्यान में बताया था कि रातों रात ये जो है सिस्टम सक्रिय हो गया, और सिस्टम सक्रिय होने के बाद जो स्थिति बदली यूनिवर्सिटीज़ की, ये मेरा डेटा नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ डेटा है, आप इसको देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, और आप अगर थोड़े से भी जागरूक हैं तो आप 6 सितंबर 2016 का जो है डेटा इंडियन एक्सप्रेस में आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। और आप इसमें पाएंगे तो देखेंगे कि देखिए राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 33 वैकेंसीज थी, 16 यूआर थी 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से, 9 ओबीसी थी, 5 एससी थी, 3 एसटी थी,
और जब फिर बाद में इसको 13 पॉइंट में जो नया जो डिपार्टमेंट वाइज जो किया तो सारी की सारी यूआर को चले गई। ऐसे संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो 99 वैकेंसीज थी, 51 यूआर ओपन थी, 26 ओबीसी थी, 15 एससी थी, 8 एसटी थी, और जब इसको जो डिपार्टमेंट वाइज किया तो 79 जो है 99 में से जो है वो ओपन कैटेगरी में चले गई, 13 ओबीसी में चले गई, 7 एससी में चले गई, एसटी यहाँ पे भी 100 में भी खाली रहा। ऐसे देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएचयू में जो एक नामी संस्थान है उसमें 31 थी, 31 में 15 ओबीसी की होनी चाहिए थी, 9 एससी की, 5 एसटी की, 60 में से जो हुआ वो 52 जनरल को चले गई, 8 ओबीसी को गई जो बाद में एनएफएस कर दी गई, आपको सबको पता है बीएचयू का खेल, फिर बाद में 3 जो एससी है, और ऐसे करके ये जो इतनी सारी जो वैकेंसीज है ये आपकी छीन ली गई। ऐसे आप देखेंगे तो सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो, इन सब में जो है आप देखेंगे तो ये सारी जो आपकी जो वैकेंसीज थी ये जो है 200 पॉइंट रोस्टर में जो थी आपकी ये सारी पोजीशंस बनती थी, और इन पोजीशंस को आपको 13 पॉइंट में जो है डिपार्टमेंट में एज ए यूनिट में जो है उसको सबको छीन करके आप देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सारा का सारा ब्लॉक हो गोल हो गया। तो आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये जो 200 पॉइंट जो रोस्टर था वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद था और 13 पॉइंट रोस्टर था वो कितना नुकसानदायक था, इसकी स्थिति जो है आप स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं। और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है, आप इसको देख सकते हैं और भी इसके डेटा जो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपसे जो कहना चाहता था वो यही है कि आप अगर जागरूक होंगे, आप अगर अपने प्रति अपने हितों के प्रति जागरूक होंगे तो आपको ये सारी की सारी के फायदे मिलेंगे। इधर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा ये परसेंटेज ऑफ रिजर्व सीट की जो बात करते हैं तो ये 100% यूआर को चली गई, 59 उसको चली गई, 62 चली गई, 100% चली गई, फिर 100%, 94%, 93%, मतलब आपका जो है एवरेज जो है वो 97% जो है वो सारी वैकेंसी जो है जनरल को चली गई, ओपन को चली गई। और आप देख रहे हैं ये जो सारी जो चीज़ें आप ये सोचते हो कि ये केवल सर्विसेज के लिए ही वो है, ये सारी सर्विसेज जो हैं जब आप अच्छे पदों पर नहीं होते हैं, जब आपके लोगों के साथ जो अत्याचार होता है, अन्याय होता है, शोषण होता है, वो किसी से छुपा नहीं है, वो चाहे एम्स में अनिल मीणा को सुसाइड करना पड़े, चाहे बम्बई में पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़े, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित बेमौला को करना पड़े, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के केसेस जो आप सब जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है और कैसे किया जाता है। तो ये जो सारी की सारी जो स्थिति है इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्थितियां हैं इससे क्या नुकसान हो रहा है, इसकी अगर हम जब बात करेंगे तो आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें जो एजुकेशन का जो स्तर है, शिक्षा का जो लेवल है उसमें आपको वंचित कर दिया जा रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो एससी एसटी जो ओबीसी को हो रहा है। आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे एससी एसटी की शिक्षा संकट में है क्योंकि ये बाहरी असमानता की ओर बढ़ रहा है, और राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, सरकार और निजी अनुदान वाले कॉलेज ही एससी एसटी छात्रों की शिक्षा का मुख्य जरिया रहे हैं, हालांकि उनके दाखिले अनुपात पर भी अन्य समूहों के मुकाबले कम हो रहा है। अब निजी विश्वविद्यालयों, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों के जरिए भी शिक्षा तेजी से निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, 44% यूनिवर्सिटी निजी हैं, जल्दी ही वे सरकारी विश्वविद्यालयों से ज़्यादा हो जाएंगी, 90% से ज़्यादा जो है कॉलेज और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वो है सेल्फ फाइनेंस मोड के हैं। तो आप जो आपका जो तबका है, आप जिस तबके से आते हैं, हम जिस तबके से आते हैं, वो जो तबका है वो एजुकेशन से एक दिन ऐसा आएगा कि महरूम कर दिया जाएगा, दूर का भर दिया जाएगा, और वो दिन आपको देखने पड़ सकते हैं जो पेशवा राज में होता था झाड़ू और हांडी बांधने का। तो ये जो सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो रिजर्व कैटेगरीज के जो हक हकूक है उसको कैसे दबाया जाता है, इसकी हम जब आप इसको देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये जो अभी के जो समूह की जो बात करते हैं, ये संविधान में जो नोटिफाइड जो
स्थिति है हमारे रिजर्वेशन की, उसके उसके लिए उपयुक्त में आया है। और अभी के समूह का कम प्रतिनिधि तो भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है, शिक्षा बुनियादी ज़रूरत है और इससे समान अवसर मिलते हैं। और ये जो इस मानसिकता के जो लोग हैं, जो शिक्षा को से इन लोगों को वंचित करना चाहते हैं, वो उनकी एक मानसिकता है, वो दूसरी तरह की मानसिकता है कि वो आपको दबाए रखना चाहते हैं। यूरोपीय देशों ने शिक्षा को GDP की ज़्यादा हिस्सेदारी मुहैया करवा करके सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत किया, और आप देख सकते हैं जबकि भारत में उच्च शिक्षा पर खर्च घटा दिया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, बजट में कमी की गई, और ये विशेष रूप से जो है वो 2014 के बाद हुआ। 2014 के बाद क्यों हुआ कि आपको एक भावनात्मक मुद्दों में उलझा दिया गया, भावनात्मक मुद्दों में उलझा करके आपसे वोट ले लिया गया और सत्ता पर काबिज हो गए, और बाद में स्थितियाँ क्या हुई आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1945 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू किया था, वह खतरे में है। केंद्र सरकार ने फंड को कम कर दिया है, तकरीबन उसे केंद्र से राज्य की योजनाओं में बदल दिया है। हमें सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, साथ ही प्राइवेट एजुकेशन को उचित नीति के जरिए गरीब हितैषी बनाने की भी ज़रूरत है। आप अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए एजुकेशन बेसिकली आप सब जानते हैं कि हमारे जो संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने एजुकेशन को जो है संवर्ती सूची में रखा है। ये एजुकेशन जो है स्टेट और सेंटर का विषय है, और ये जो सारी की सारी जो स्कॉलरशिप आती थी ये सारी सेंटर से आती थी। आप ये भी देख सकते हैं कि जो नए जो नियम बने हैं GST वगैरह के और इस तरह के जो नए कानून आए हैं, उसके बाद सेंटर के पास जो है सारा का सारा फंड सेंट्रलाइज हो गया है और स्टेट को उसके ऊपर निर्भर हो गए हैं। स्टेट्स के निर्भर होने की वजह से आपकी जो स्कॉलरशिप जैसी जो बुनियादी जो चीज़ है उसको जो है स्टेट के खाते में डाल करके, स्टेट के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, कई कई सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप का मतलब सिर्फ ये हो गया, देखिए जब हम लोग पढ़ते थे हमको पता है कि हमारी जब हम हॉस्टल में रहते थे तो हमको डबल स्कॉलरशिप मिलती थी। एक स्कॉलरशिप वो होती थी जिसमें हम फीस की रिबेट लेते थे, एक स्कॉलरशिप वो होती थी जिसमें हम हॉस्टल में रहने के नाते, रेजिडेंट हॉस्टलर्स के नाते हमको कुछ और पैसा मिलता था, जिसमें हॉस्टल का किराया दिया जाता था, खाने का मेस का खर्चा होता था। पर अब आप देखेंगे सिर्फ फीस को रीइंबर्स करने के को स्कॉलरशिप मान लिया गया है। तो ये जो व्यवस्थाएं जो बदल रही है, ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से जो है आपके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, इससे आपको सतर्क रहने की और इसे समझने की ज़रूरत है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो है सबसे जो बुनियादी जो चीज़ जो हम 200 पॉइंट रोस्टर में जो बात आपसे कहना चाहते हैं, ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ। और ये बात जो कहना चाह रहा हूँ और जो रोस्टर को जो बनाने का जो तरीका आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इसको आपको ठीक से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए ये जो रोस्टर का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मेट है, ये जो है वो सबके पास दिया हुआ है। ये जो है 200 पॉइंट रोस्टर का जो है फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा इसमें सारी जो एंट्रीज है इसको जो है वो 14 में बांटी हुई है। मैंने इसमें एक OBC का कोटा भी, चूँकि बैकलॉग अब OBC का बैकलॉग भी हो गया है, इसलिए मैंने इसको जो है 14 पॉइंट को स्टार करके उसको OBC के लिए भी बैकलॉग के रूप में जोड़ दिया है। आप अगर इसके ओरिजिनल उसमें देखेंगे तो 14 नंबर नहीं है, वह केवल 14 ही पॉइंट 14 स्लेब्स का वो बनाया हुआ है, 14 ही सेल बनी हुई है। और इसमें जो ज़रूरी है वो, क्योंकि OBC का कोटा बैकलॉग में आने के बाद इसको आपको कहीं कहीं रिजर्वेशन के रोस्टर में लाना होगा। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि इसको जब फिल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम आता है, यहाँ पे आप संस्था का नाम लिखेंगे, संस्था के नाम के बाद आप उसकी लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर कैडर में, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी यूनिवर्सिटी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसको आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो ये नंबर ऑफ पोस्ट इन कैडर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इन जो कैडर को भी आपको टेक्निकल रूप से समझने की ज़रूरत है, आप इसको 3 स्तरों पर समझेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग रोस्टर होगा, एसोसिएट के लिए अलग होगा और प्रोफेसर के लिए अलग होगा। इन तीनों स्थितियों को आपको 3 कैडर मान करके
और तीनों कार्डरों का जो है सेपरेट रोस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो यहाँ पे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, आप यहाँ एसोसिएट भी लिखेंगे और यहाँ आप प्रोफेसर भी लिखेंगे, जैसे जैसे जिसका रोस्टर बनता जाए। फिर उस कैडर में उसकी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट सेंक्शन है उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन की जो स्थिति है वो क्या दी हुई है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी में वेरी करती है पोजीशन उसकी रिजर्वेशन की, किस स्टेट में किस कैटेगरी को कितना दिया गया। तो जैसे हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में तो राजस्थान को यहाँ पे 16% है, ST को 12% है, OBC को 21% है, MBC को 5% है, EWS को 10% है, ये सारा का सारा जो है उसका रिजर्वेशन है। उसके बाद जो है आपका वीमेंस का 30% है, जिसमें 20% सामान्य का है, 8% वीडो का है, 2% डाइवर्सिस का है, एक्स सर्विसमैन का 5% है और PH का 4% है। इस तरह से जो कैटेगराइज किया गया है, इस कैटेगराइज को आप सबसे ऊपर मेंशन कर देंगे कि उस स्टेट में या जहाँ पे आप रोस्टर बना रहे हैं वहाँ पे उसकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। फिर आप दूसरे उसमें आएंगे, बैकलॉग रिजर्वेशन वैकेंसीज की बात करेंगे, पर्टिकुलर पोस्ट को फिल्ड करने के उसके बारे परमानेंट लेवल की बात करेंगे। इसमें फिर तीसरी जो रो में जब आप आएंगे, तीसरी पंक्ति में जब आप आएंगे तो इसको देखेंगे कि ये देखिए नंबर ऑफ बैकलॉग रिजर्व वैकेंसीज रिजर्व कैरिड फॉरवर्ड और उसमें से वो कितना आगे आई है नहीं आई है। सबसे मेन जो बात है वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है इसके लिए हमारे जो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो बड़े जो भाई हैं जो पहले से हमसे रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर के बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक किसी के पास आप अगर एक ऑर्डर मांगेंगे कि यह राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने आपका रिजर्वेशन कब लागू हुआ तो शायद किसी के पास नहीं है। मैंने जो सबसे हाईएस्ट लेवल के जो हमारे यहाँ DOP में सेक्रेटरी थे एक, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है, पर मैंने उनसे बात की तो उनसे उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मेरे पास तो नहीं है। फिर मैंने जो है उसको अपने लेवल से तलाशने की कोशिश की तो मुझे जो लेटेस्ट जो उस टाइम का जो रिजर्वेशन को लागू करने का मिला वो एक 1973 का एक ऑर्डिनेंस है, 73-74 का वो मिला। और ये जो डेट है राजस्थान में हायर एजुकेशन में डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन वो है 1973-74 की, 73 में, क्योंकि उस पर डेट पड़ी हुई है। तो हम बात करेंगे तो आपका जो रिजर्वेशन की जो पोजीशन काउंट होगी, जो वैकेंट पोजीशन है किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन वैकेंट पोजीशन पे आप 73 के बाद से जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट अपॉइंट हुई है उसको कैलकुलेट करके और आप उसमें रिजर्वेशन को प्लेसिंग करेंगे, उसको संधारित करेंगे। देखेंगे तो उसमें तीन चार चीज़ें देखने की होती है। सबसे पहले आपको एक डेटा लेना है जिसको मैं अगली वाली स्लाइड में बताऊँगा कि आपको सबसे पहले करना है सेंक्शन ईयर ऑफ द पोस्ट किस साल में स्वीकृत हुई है सरकार से, उसका आपके पास ऑर्डर होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा उसका आपको अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे सेंक्शन पोस्ट के बाद उस पोस्ट को किस रिक्रूटमेंट ईयर में भरा गया है, उसमें फिर उसकी एंट्री आप करेंगे किस रिक्रूटमेंट ईयर में भरा गया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ये जो ईयर है वो 1969 में जो है वो पोस्ट सेंक्शन होकर के आई है, उसको भरा कब गया है 1969 में ही भर दिया गया है। किससे भरा गया है? ओपन कैटेगरी से भरा गया। किससे भरा गया? इनसे भरा गया। ये मैंने जो है सारे के सारे जो है काल्पनिक नाम लिए हैं केवल टाइटल के बेसिस पे, इस पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखेंगे फिर आप 1970 में दूसरी वैकेंसी आती है, 1970 में उसको भर दिया जाता है, एक वैकेंसी एडवर्टाइज करते हैं, एक को भर देते हैं, एक हो गया। फिर 71 में एक सेंक्शन आती है, 71 में फिर एक पोस्ट की सेंक्शन आती है, फिर उसको ओपन कैटेगरी से भर दिया। फिर आप 74 में देखेंगे तो फिर 74 में जो है वैकेंसी आती है, 75 में भर दी जाती है। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी जो ईयर है, ये जो मार्किंग ईयर है, यहाँ से आपको रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है और उसको आप देखेंगे तो फिर उसके बाद जो है आपकी जो पोजीशन है उसको मैं आपको दूसरे उसमें बताऊंगा कि आपकी पोजीशन उसकी क्या बनेगी। तो ये जो आपकी जो पहला जो कॉलम है
उसमें आप उसकी जो है सेंक्शन पोस्ट को लेंगे कि वो पोस्ट है किस ईयर में सेंक्शन होकर के आई है और पहला रिक्रूटमेंट उसका किस में हुआ है, किस पर्सन का हुआ है, किस कैटेगरी का हुआ है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है, इस तरह का जो आप सारा का सारा जो डेटा देखेंगे तो आपके सामने आपसे जो छुपाई हुई जो सूचनाएं हैं वो बाहर एक एक करके निकलेंगी और इसको भी आप देखेंगे। मैं इसका जो है समस्या का सामना कर रहा हूँ, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो रोस्टर की कमेटी का कन्वीनर हूँ, मैं उसको आप यकीन कीजिए, मैं बीइंग ए सिंडिकेट मेंबर, स्टेट के सिंडिकेट का सदस्य होने के नाते मैं यूनिवर्सिटी से डेटा नहीं निकलवा पाया। मैंने जो डेटा निकलवाने सब बात करके दे साहब, वो तो वो रिटायर हो गया, वो तो वो फला आदमी था, वो तो ये था, वो तो वो था, फिर आप यकीन करेंगे हमने सबको बुला करके मीटिंग करके और बाद में कहा हमें कुछ नहीं डेटा चाहिए, नहीं हम एक्शन लेंगे। तब जा करके उन्होंने एक रिटायर आदमी है जो कि किसी प्राइवेट कॉलेज में सर्विसेज दे रहा है, वहाँ से बुलाया, उनको हमने एक्स्ट्रा वेजेस दिया, मतलब ओवर टाइम दिया, ओवर टाइम देने के बाद पुरानी फाइलें निकलवाई, उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए कि भाई कि सर हमारे पास तो कोई डेटा नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे पेंशन का रजिस्टर दिखाइए, पेंशन के रजिस्टर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होती है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी होता है और डेट ऑफ रिटायरमेंट भी होता है। वहाँ से मैंने डेटा को क्रिएट किया, डेटा क्रिएट करने के बाद सारी जो सूचनाएँ वो इकट्ठी की और बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ का रिजर्वेशन का रोस्टर जो है बनवाया है। तो ये जो सारी की सारी जो स्थितियाँ हैं वो आप इसको देखेंगे तो आप जब आप इसको आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है उन पोस्ट के अगेंस्ट में आप 1973 का जो है एक कट ऑफ मार्क लेकर के और उसको वहाँ से भरना शुरू कर देंगे और इस फॉर्मेट में भरेंगे। ये आपके रिजर्वेशन की जो पोजीशन है, ये रिजर्वेशन की पोजीशन है, पहली जो है वो 3 वैकेंसीज है तो यहाँ पे जो आपका 22% है, अगर 27% होता तो ये जो आपकी चौथी पोजीशन हो जाती, क्योंकि 22% राजस्थान में ओबीसी का रिजर्वेशन है तो ये आपकी 5वीं पोजीशन होगी। तो ऐसे ही ये फिर ये आपके एक एक कैटेगरी का जो है मेंशन करते जाएंगे, ये सारा का सारा आप अप टू 200 तक की एक सीरीज बनाएंगे। पर उसमें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो 100-point रोस्टर का जो है एक चार्ट जारी किया हुआ है, 200-point का रोस्टर का चार्ट आज भी जारी नहीं किया है, इसलिए जो है आप किसी, क्योंकि कोई भी एक टेक्निकल इश्यू अगर मान लीजिए आपने रिजर्वेशन के रोस्टर में कुछ कर दिया तो फिर सीधे लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे, कोर्ट पहुंच करके आपकी उस व्यवस्था को फिर रुकवा देंगे। इसलिए जो है मैं व्यक्तिगत सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप इसको जो है 100-point का जो उनका जो चार्ट है उसमें आप प्लेसिंग कर लीजिए, 100 के 100 के उस पर। उसमें एक दो पोस्टों का जो है एसटी को और ओबीसी को जो है वो एक एक पोस्ट का नुकसान होगा, पर उसको जो है बाद में आप ठीक कर सकते हैं जब 200 का आ जाए। तो इसको आप फिर देखेंगे किस किस का इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको आप यहाँ नाम लिख देंगे, यहाँ पे उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिख देंगे किस डेट को अपॉइंटमेंट हुआ है, फिर यहाँ पे उनका जो रिटायरमेंट का लिख देंगे कि किस डेट को रिटायरमेंट हुआ है, और ये इधर की जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है 7वां वाला जो कॉलम है, इसको आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये ओपन कैटेगरी से है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये सारे ओपन है। तो आप यहाँ पे जो है उसकी ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी सारी जो है लिखते हुए चले जाएंगे। तो जो जहाँ जिस पोजीशन को एक्वायर करके बैठा है, जिस कैटेगरी का पर्सन है, उस कैटेगरी के पर्सन को आप यहाँ पे लिख देंगे कि वही किस कैटेगरी से है, किस ईयर में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ द पोस्ट क्या है, उसको इस तरह से आप लेके आए। फिर एक और कॉलम जो है लास्टवा कॉलम पे पहले आप आइए, इसमें आप उनकी डेट रिटायरमेंट की एज को लिख देंगे कि आदमी जो है, ये आदमी जो है, ये वैकेंसी यहाँ इस तरह 1969 में आई, सबसे पहले 1969 में ये आई, फिर 69 में भरी गई, फिर इन पर अपॉइंटमेंट जो है मिस्टर खत्री का हुआ, फिर इनका जो अपॉइंटमेंट है ये डेट आ गई, इन्होंने ये ज्वाइनिंग कर लिया, ये इनका रिटायरमेंट का एज है और ये जो ईयर है और इनकी कैटेगरी ये है, और फिर ये जो है आप आगे इसको देखेंगे तो ये सारी स्थिति जो भरने के बाद फिर आपको ये चार कॉलम भरने हैं। इस चार कॉलम में भरने के बाद आपको क्या करना है, ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, और इसमें आप बैकलॉग की स्थिति को लिखेंगे। ये बैकलॉग की जब स्थिति को आप लिखेंगे
तो इसमें देखेंगे कि देखिए आप इस तरह के कॉलम को और इस तरह के दोनों कॉलम को आप कंपेरेटिवली देखेंगे, तुलनात्मक रूप से यहां से यहां की सीरीज को आपको देखना है। यहां से यहां की जो सीरीज है इसको देखना है, इन दोनों कॉलम में देखना है। क्या देखना है, जैसे पहले आप देखा यहां पे जो आपकी जो पांचवी पोस्ट जो है वो ये ओबीसी की होनी चाहिए थी, तो यहां पे आपका जो है इनका ये ओपन कैटेगरी से आ रहा है, तो ये ओबीसी का एक बैकलॉग हो गया। फिर आप नीचे देखेंगे छठवीं जो पोजीशन, सातवीं जो पोजीशन है ये एससी की होनी चाहिए थी, ये एससी का नहीं है, तो ये यहाँ पे बैकलॉग हो गया। फिर आप देखेंगे एसटी का नौवीं पोजीशन है, तो नौवीं पोजीशन में यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे जो है आप एक एसटी का लिख देंगे। तो ये जो है ये एक एक करके जाएंगे, इनका जो सीक्वेंस है ये बदल जाएगा। जैसे नीचे आप आएंगे कि ये फिर आपका ओबीसी का दूसरा पोजीशन आ गया, तो ये यहाँ पे इसको दो लिख देंगे। आप इसमें एक दो सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, एक एक भी लिख सकते हैं, और लास्ट में जो है नीचे का जो सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, वहाँ एक एक करके लिखेंगे तो उनका टोटल कर देंगे, दो हो गई। यहाँ पे इसको करेंगे तो इसका एक हो गया, इसको देखेंगे तो एक हो गया, और ये हर पन्ने पे करेंगे और हर पन्ने पर उसका जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद नीचे हर पन्ने पे जो है यहाँ पे जो है आप सबके जो है हस्ताक्षर करवाएंगे। हस्ताक्षर में किस किस के होंगे आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें लाइजन ऑफिसर के साइन होंगे, एलओ के होंगे। आप इसमें देखेंगे तो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके होंगे। आप इसमें देखेंगे तो रजिस्ट्रार के होंगे। आप इसमें देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑब्लिक वाइस चांसलर के होंगे। तो नीचे जो है हर पन्ने पे सबके साइन हो जाएंगे, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट बनेगा। और ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरी जितनी भी नंबर ऑफ सीरीज में जो आपकी जो वैकेंसीज है उसको भरते हुए जाना है, उसको तीन कैडर में अलग अलग करना है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर अलग करना है, एसोसिएट प्रोफेसर अलग करना है, प्रोफेसर अलग करना है, काडर बेस्ड रोस्टर बनेगा, पोस्ट बेस्ड रोस्टर बनेगा, और उसको जो है आप इस तरह से इसको भरेंगे। इसके बाद भी आपको अगर मान लीजिए कुछ टेक्निकल समस्या आती है तो ये समस्या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आपको कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम अराइज होती है, सामने आती है, तो फिर उसके जो है समाधान के दूसरे तरीके ढूंढे जाएंगे, निकाले जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ को यहाँ पे समराइज करना मुश्किल है। ये आपको देखने के लिए एक स्पेसिमेन फॉर्मेट को मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब आप देखेंगे कि आगे इसमें क्या करना है। अगर हम राजस्थान के 27 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन 27 यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखें तो पाएंगे कि यहाँ जो समस्या है यहाँ बहुत दूसरी, बहुत गहरी समस्या है। यह समस्या क्या है? यह समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ टीचर्स आए थे, तो मैंने उनके सामने जो समस्या है वो समस्या क्या है, उनके सामने समस्या ये है, एक कॉलेज चलती थी, कॉलेज जो है बाद में यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है, वो वहाँ पे आकर के यूनिवर्सिटी में आ गए, पर फिर बाद में क्या हुआ, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई, फिर तीसरी बन गई, फिर चौथी बन गई, फिर पांचवी बन गई, पांच एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बन गई, और राजस्थान की जो कॉलेजेस थी वो उन पांच यूनिवर्सिटीज़ में इधर से उधर सब चले गए। हुआ क्या कि जो पोस्ट जहाँ से थी, जिस व्यक्ति का जो अपॉइंटमेंट था, सपोज मान लीजिए जोबनेर यूनिवर्सिटी बनी, पहले जोबनेर में सब लोग आते थे, या पहले उससे पहले राजस्थान में, जोबनेर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आता था, तो जितना भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की टेरिटरी थी उसके सारे जो कॉलेजेस थे उनका डेटा कहाँ से आया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उनको भी सुझाए थे जो सेक्रेटरी उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी थे उनको उसके बारे में बताया था, वहाँ पे एक जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनको बताया था, वो जो टीचर्स आए थे उनको भी बताया था। तो इसको आप सब देखेंगे तो पाएंगे कि रोस्टर रजिस्टर का संधारण करने के संबंध में राजस्थान कार्मिक विभाग के निर्देशों की अनुपालना में प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर के अब तक स्वीकृत सभी पदों को शामिल करके विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एवं इनके समकक्ष अन्य सभी पदों, कई यूनिवर्सिटीज में जो है जैसे साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, साइंटिस्ट की जो पोस्ट होती है वो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर होती है,
तो उसको आपको असिस्टेंस प्रोफेसर के साथ ही काडर में रखना है अगर उनका पे स्केल सेम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि समकक्ष या अन्य सभी पदों पर की गई नियुक्तियों को रोस्टर रजिस्टर में सुस्पष्ट रूप से अंकित करें, जो मैंने आपको पिछली टेबल में जो है एक एक एंट्री को बताया था। दूसरी जो समस्या है उसको आप देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में अब तक की गई सभी भर्तियों के लिए जारी विज्ञापन आप निकलवाने होंगे, कॉलेजों से विश्वविद्यालयों में समायोजित किए गए पदों को आपको वो करना होगा, कितना पद कौन सी कॉलेज का किस यूनिवर्सिटी में गया, उस पर किसका अपॉइंटमेंट था, किस कौन अपॉइंटमेंट कब हुआ, कब रिटायर हुआ, वो सारा डेटा लेना पड़ेगा। वो डेटा आपको कोई ऐसे इजीली देगा नहीं, पर वो आप अगर आप उसको डेटा देखेंगे तो उसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट जो प्लेस है, सबसे अप्रोप्रिएट जो जगह है वो पेंशन रजिस्टर है। पेंशन रजिस्टर में सबकी कुंडली होती है और उस कुंडली में से जो है आपको डेटा जनरेट करना पड़ेगा। विश्वविद्यालयों में नियुक्त चयनित सभी कार्मिकों के संबंध में सभी कैडर वार प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इत्यादि की श्रेणी वार एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग को अंकित करके सभी सूचनाएं तथ्यात्मक रूप से उसमें आप शामिल करेंगे। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक और ऑफिसर्स नियुक्ति चयन 1974 के अनुरूप आरक्षण का लाभ करने के लिए 1974 रहेगा। मतलब आपकी कट ऑफ जो डेट होगी वो आपकी 1974 होगी। 1974 का ये वो आया था और इसका अब मुझे इसके बाद एक और लेटर मिल गया है वो 1973 उसमें जो दिया हुआ है, तो ये आप इसको 73 मानेंगे, इसको आप संशोधित कर लीजिएगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो आपको ये सारी जो जो डेटा मिल जाएगा तो उसको पिछली वाली जो सीट के अकॉर्डिंग आप उसको भरेंगे और भरने के बाद आप उसमें देखेंगे तो उसमें पाएंगे आप तो आपको दिखेगा कि विश्वविद्यालयों में स्वीकृत सभी पदों शैक्षणिक और अशैक्षणिक टीचिंग और नॉन टीचिंग की स्वीकृति के दिन वर्ष उन पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन नियुक्त व्यक्तियों की सूची किसी भी कारण से नियुक्त व्यक्तियों में से पद त्यागने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा इससे जुड़ी अन्य सूचनाएं आपको प्रेषित करनी हो आपको संरक्षित करनी होगी। अब आप देखिए इसमें एक और टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ ये है कि जैसे ये डेटा में जो छुपाने की जो बात आती है, जैसे मान लीजिए कोई एक लेक्चरर था, उसने मान लीजिए टोंक के कॉलेज में ज्वाइन किया, टोंक के कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद वो एक साल वहाँ पे लेक्चरर रहा और लेक्चर रहने के बाद उसका अगले साल या उससे अगले साल आरएएस में सिलेक्शन हो गया, तो वो वहाँ से छोड़ करके चले गया, तो वो वहाँ से छोड़ के चले गया तो वो पोस्ट को तो कंज्यूम कर चुका है, आपका एक रोस्टर जो पॉइंट है वो तो वहाँ पे कंज्यूम हो गया है, इसलिए उस व्यक्ति की वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में भी आपको सूचना निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका रोस्टर जो है आपको ठीक से आपको लाभ दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर मान लीजिए किसी ने बीच में कोई पोस्ट एक्वायर करके छोड़ी है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो डेटा आपको रोस्टर रजिस्टर में मेंशन करना पड़ेगा और रोस्टर रजिस्टर में मेंशन करने के बाद उसको फिर जब आप रिसाइकल कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो डेटा वहाँ पे उसके अगेंस्ट में आपको बैकलॉग की पोजीशन मिलेगी। उक्त पदों से संबंधित सभी सूचनाओं का को रोस्टर रजिस्टर में निर्धारित बिंदुओं में सम्मिलित करते हुए रोस्टर बिंदुओं के अनुसार बैकलॉग शॉर्टफॉल और रिजर्वेशन के बिंदुओं को भी सुस्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। साथ ही विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर सेवानिवृत्त हो चुके सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड, उनकी नियुक्तियों की तारीख, प्रमोशन की तारीख, रिटायरमेंट की तारीख सहित सभी सूचनाएं, दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां सहित आपको उसमें डेटा रखनी होगी ताकि कोई भी जो है किसी भी तरह के रोस्टर रजिस्टर पर तथ्यों से मिलान किया जा सके और उसमें कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आए। इसमें जो ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पे भी एक भी कोई डेटा अगर आपसे छूट गया और वो किसी दूसरे के संज्ञान में है, उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको कहीं भी कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकता है और कहेगा साहब ये तो रोस्टर गलत है, ये तो फला व्यक्ति फला टाइम पर वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था उसको जो करके उन्होंने छोड़ दिया इसलिए इसका रोस्टर का जो पोजिशन है चेंज हो गया। तो इन सारी चीज़ों की बारीकियों से बचने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम कलेक्ट करनी होगी और उसको उसमें रोस्टर रजिस्टर में संधारित करना होगा। इसीलिए आप अगर मान लीजिए आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आने के बाद उसको जैसे हम
दो दो और दो चार होते हैं, तो जैसे बच्चों को सिखाते हैं ये दो लाइन हो गई, फिर ये दो लाइन हो गई, तो गिनाएंगे 1 2 3 4, तो ये चार हो गए, ये अगर दो और दो हो गए तो ये चार हो गए, तो ये चारों तरफ से आप उसको टैली कर लीजिए। तो वो टैली करने का आपके लिए जो डॉक्यूमेंट होगा उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, रिटायरमेंट की तारीख सहित सभी सूचनाएं जो है वो आपको जो है पेंशन रजिस्टर से मिलेगी। पेंशन रजिस्टर में से आप इन एंट्रियों को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी चाहे हो, चाहे उसका 70 में अपॉइंटमेंट हुआ हो या 70 के बाद हुआ हो, खुदा ना खास्ता वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भी रूप में कोई न कोई पेंशन के रजिस्टर से जुड़ा हुआ होगा, खुद होगा, फैमिली मेम्बर होगा। नहीं तो सपोज मान लीजिए एक रजिस्टर में जो एंट्री है उसमें 10 लोगों की एंट्री है पेंशन के रजिस्टर में एक पेज पे, उनमें से 9 अगर मान लीजिए एक्सपायर हो गए, उनकी फैमिलीज का भी कोई वो नहीं है, कोई एक तो होगा जो उसमें वो ले रहा होगा, तो जब तक वो एक रहेगा तब तक वो आपका डेटा वहाँ पे संरक्षित रहेगा। उसके अलावा भी जो रोस्टर रजिस्टर जो बनते हैं रिकॉर्ड्स के जो रजिस्टर है उसको आप मास्टर रजिस्टर से उसकी एंट्री को टैली कीजिए कि आपने ये रजिस्टर इस पर्पज से बनाया था, उसमें सारी उसकी एंट्री होती है, और उन एंट्रियों को सब एंट्रियों को देख करके सब एंट्रियों का मिलान करके और आप रोस्टर रजिस्टर को बनाएंगे। रोस्टर रजिस्टर बनाने के लिए आपको जैसा पहले मैंने बताया था, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसको आप एक इकाई के रूप में मानेंगे, इकाई के रूप में मानने के बाद फिर उसको आप उसमें प्लेसिंग करेंगे। कुछ चीज़ें जो टेक्निकली इसमें और छूट गई है जिसको हम अगले व्याख्यान में शामिल करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि सपोज कोई यूनिवर्सिटी है उसमें जो है आपने रजिस्टर भी बना लिया, पर आप अगर उसकी रोस्टर रिजर्वेशन में देंगे तो आप कैसे देंगे? इसके लिए दो फार्मूले सुझाए गए हैं। एक दो फार्मूले यह सुझाया गया है जिसमें कहा गया है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे, पर इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देने का, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेसिंग करने का एक नुकसान है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जो कि रिजर्वेशन या रिजर्व लोगों से रिजर्व लोग ज़्यादा आ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ रिजर्व लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वहाँ पे जाकर के बेसिकली जो रिजर्वेशन के रोस्टर को जो बनाने की प्रक्रिया के पीछे की जो सोच है वो ये सोच है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी जो कैटेगरी के जो टीचर्स हैं, वो उस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाले बच्चों के भी संरक्षक के रूप में काम करें, और वो जो मैं पे बैक टू सोसाइटी की जो बात कर रहा था वो पे बैक टू सोसाइटी को इस रूप में उसको उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन दे, संरक्षण दे, कि वो उनके साथ किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो वो टीचर उसके लिए आवाज़ उठाए, उनको संरक्षक की भूमिका निभाए। इसीलिए जो है रोस्टर रजिस्टर की बनाने के पीछे ये भी एक सोच थी। जो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था कि जो चीज़ आपको मान लीजिए वहाँ से आपको छूट गई है, तो उस छूटी हुई जो चीज़ है उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर नहीं दे सकते हैं, तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एक फार्मूला लिया गया है। जैसे मान लीजिए 7 का डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोफेसर होता है, 2 एसोसिएट होते हैं, 4 असिस्टेंट होते हैं, तो 7 के डिपार्टमेंट में आपको अगर आप देखेंगे तो आपको सारी की सारी 7 जो पोजीशन है ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है आपके चारों कैटेगरीज उसमें आ जाती है। तो उस कैटेगरीज को आप इस तरीके से कीजिए कि आप सारे डिपार्टमेंट्स में सारी कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन आ जाए। इसके लिए आप दूसरा एक तीसरा तरीका अपना सकते हैं, जिसमें मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था एज एन एक्सपर्ट, तो वहाँ मैंने किया था कि आप प्रोफेसर को जो है आप ए से जेड ले लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को आप जेड से ए ले लीजिए, और आप इस तरह से जो उसमें सामंजस्य कोडिंग डिकोडिंग करके, पर जो न्यायालयों में जो टेक्निकल जो चीज़ें आती हैं वो ये आती है कि आपका कहीं पे भी वहाँ पे सेकेंड थॉट का रिपरकेशन नहीं आना चाहिए, उसका प्रभाव वहाँ परिलक्षित नहीं होना चाहिए। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब आप रोस्टर रजिस्टर बनाएंगे, रोस्टर रजिस्टर बनाते हैं, उससे पहले जो आप जो डिपार्टमेंटल जो मीटिंग्स करेंगे उन मीटिंग में इन नियमों को पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा फार्मूला अपनाने जा रहे हैं। अगर आप प्री डिसाइडेड ऐसा करते हैं तो वो सेकंड थॉट नहीं माना जाएगा, और कोई भी न्यायालय में जब अगर कोई ऐसी बात आती है तकनीकी रूप से
तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने ये मीटिंग इस तारीख को की थी, इसमें हमने ये किया था, और उसमें जो है कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट को ये लगेगा कि कहीं पे भी कोई बाइसनेस या किसी के लिए कोई दुराग्रह या किसी की तरह पूर्वाग्रह या किसी की तरह कोई नुकसान पहुंचाने की या लाभ पहुंचाने की कोई स्थिति ऐसी नहीं है, तो आपका रोस्टर रजिस्टर है वो कहीं पे भी चैलेंज नहीं होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप रोस्टर रजिस्टर को बनवाएं और बनवाने के बाद उसको लागू करवाएं, तब जा कर के आपके सामाजिक न्याय की जो एक पहल है वो पूरी होगी, और इसमें सबको मिल करके एक टीम के रूप में काम करना होगा। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए जो तकनीकी जो दूसरे जो पहलू हैं उन पर बात करेंगे। आप सब से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि आप, हम जो एक लाइव करने जा रहे हैं इसी के संबंध में, इन दो व्याख्यानों को शामिल करते हुए एक लंबा लाइव करेंगे, जिसमें ऑन द स्पॉट कोई भी टीचर कहीं से भी अगर मान लो जुड़ना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, तो वो आकर के उस पर लाइव ले कर सकते हैं। तो आप आलोकन अकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे सीधे आकर के लाइव सवाल पूछ सकें, और आपको हम पहले से इन्फॉर्म कर चुके हैं कि वो लाइव हम कब करने जा रहे हैं या कब उसकी हम आपको सूचना दे सकते हैं। आप सब ने हमें इतना टाइम दिया, सुना, और सामाजिक न्याय की इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग अपने अपने दड़बों में से बाहर निकलिए, अपने अपने कुनबों में से बाहर निकलिए, अपनी सीमाओं से बाहर आइए, तब जाकर के आपका भी भला होगा और आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।